दोस्तों, आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिट एंड फाइन में एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत सी गजल है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। कुछ लोग जो तनावग्रस्त रहते हैं या फिर खामोश उदास दिखते हैं, उनके लिए तो हम यूं अमूमन कह देते हैं कि ये मानसिक समस्या का शिकार है या फिर डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पब्लिक में तो हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अकेले बैठते हैं तो उदास, निराश या तनाव महसूस करते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे स्माइलिंग डिप्रेशन भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे स्माइलिंग डिप्रेशन के बारे में, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। हम लोग जो लोग उदास रहते हैं, निराश रहते हैं, कम बोलते हैं या ज़्यादातर खामोश रहते हैं, तो उनके लिए तो कह देते हैं कि ये शायद आजकल डिप्रेशन में है या एन्जाइटी में है। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि बहुत से लोग पब्लिक में तो बहुत हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अपनी प्रॉब्लम को छुपा लेते हैं, लेकिन आम तौर पर जब वो अकेले रहते हैं तो बहुत ही तनावग्रस्त रहते हैं और बहुत सारी मानसिक समस्याओं का शिकार भी रहते हैं, जिसे हम आजकल बोलचाल की भाषा में स्माइलिंग डिप्रेशन भी कहते हैं। तो आखिर ये है क्या, स्माइलिंग डिप्रेशन है क्या? स्माइलिंग डिप्रेशन वैसे कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है जी, जैसे हम कुछ ना मेडिकल साइंस में तो बोलते हैं ना कि ये बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, डिप्रेशन है जी, एंजाइटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर है जी, या मेनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है जी, या स्किज़ोफ्रेनिया है, बहुत सारी बीमारियां हैं जी। तो वो उस तरह से इसको नाम नहीं दिया गया अभी तक मेडिकल मेडिकल बुक्स में, टर्म भी नहीं है। हाँ, ये मेडिकल टर्म नहीं है जी, क्योंकि तो आम भाषा में आम ये बहुत कॉमन टर्म हो गई है जी। स्पेशली जो टाइप ए लोग होते हैं ना जी, जो परफेक्शनिस्ट होते हैं जी, कॉम्पिटिटिव होते हैं और शोबिज में बहुत रहते हैं जी, स्पेशली जो हॉलीवुड में है, बॉलीवुड में है ना जी, टॉलीवुड में है ना, शो मतलब जहाँ सोशल मीडिया में बहुत प्रोमिनेंट लोग हैं जी, या आम पब्लिक में भी जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं, ग्लैमर वर्ल्ड के लोग, ग्लैमर वर्ल्ड के लोग भी, और इवन जो एग्जीक्यूटिव्स हैं बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक होते हैं, या जैसे और आम भाषा में भी ऐसे एक एस्टिमेट ऐसा है कि लगभग हर पांचवा आदमी स्माइलिंग डिप्रेशन से पीड़ित है, इवन ज़्यादा भी हो सकता है, पर बस इतना तो है कम से कम जी। ये एक तरह का ऐसा है जो कि हम बाहर से हमारा रूप हमारा ऐसा रहता है क्योंकि हम परफेक्शनिस्ट बचपन से आदत पड़ गई है जी, तो बाहर से जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, जैसे नहीं इवन शूटिंग जब करते हैं जी, हम यूजली मतलब जो भी होते हैं एक्टर्स होते हैं मुस्कराएंगे, फुल एनर्जी से बात करते हैं जी, तो अपनी एनर्जी को गेन स्ट्रिंग इकट्ठा करके देर कम आउट, ऐसे ही ये लोग होते हैं जब भी कभी पब्लिक में जाते हैं तो अपनी एनर्जी को पूरा अंदर ला बाहर ला करके एक्सप्रेस करते हैं, दे इवन जो दूसरे नॉर्मल लोगों से ज़्यादा एनर्जी वाले दिखाई देते हैं जी, मुस्कराते हैं, जोक्स करते हैं, कॉमेडी शो भी करते हैं ऐसे लोग जी, कॉमेडी ऐसे बहुत सारे कॉमेडियंस भारत में भी हैं जो है रियल डिप्रेशन में जी, किंतु वो जो है बाहर शो करते हैं। पर एक यहाँ एक भी बात हो सकती है जो डिप्रेशन में क्या होता है, कई बार एक मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस होता है, मेनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है जी, तो डिप्रेशन वाले पेशेंट जब ये वाले जब मेनिक फेज में होते हैं तो भी ऐसा वो बहुत एक्सट्रोवर्ट होकर के बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं जी। पर मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस और स्माइलिंग डिप्रेशन में क्या फ़र्क है, जो स्माइलिंग डिप्रेशन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बाहर तो काम करने जाएंगे, बहुत एनर्जी के साथ काम करेंगे जी, किंतु जैसे अपने घर में आते हैं, क्योंकि ये लोग अधिकतर लोनली होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं जी, ये जो है फैमिली में बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होती हैं इनकी, इनकी नेचर इस तरह की होती है, और मतलब ये लोनली वाले लोग हैं, ज़्यादा अलोन रहने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा मिक्स होने वाले लोग नहीं होते हैं जी, तो क्योंकि शायद उनके अंदर जो भी ईगो है अपनी, जो भी व्हाटएवर, इसके कारण रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी अपने आपस में, जिसके कारण जब अकेले आ जाते हैं, अपने घर में पहुँचते हैं, अकेले जगह पर होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं,
और इनका जैसे काफ़ी सुसाइडल रेट भी इनका काफ़ी ज़्यादा होता है। कई बार हम खबर भी सुनते हैं ना मीडिया में जी, कि वो अच्छी एक हीरोइन थी, वो एक अच्छा हीरो था, उसने सुसाइड घर में पाया गया, मृत पा गया, सुसाइड कर लिया उसने। कारण नहीं पता है जी, क्योंकि उसका बेसिक कारण यही होता है जी, कि वो अंदर से डिप्रेस्ड हैं, उनके साथ कोई बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, हॉरिजेंटल कनेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है लोगों से जी, बहुत ज़्यादा जल्दी मिक्सअप नहीं होते हैं लोगों से जी, तो उनकी अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है बहुत ही एकाकी होती है। तो ये जो है डिप्रेशन जो है इसका, ये जैसे मैं समझता हूँ दिन पे दिन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जी, और धीरे धीरे एक समस्या का रूप धारण करता जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये तो बात की आपने कि जो लोग बड़े पदों पर हैं या जो अपने नाम को एस्टेब्लिश हो चुके हैं, वो छुपाते हैं अपनी चीज़ों को या किसी के सामने हाईलाइट नहीं करना चाहते हम अपने इमोशंस को कि वो उन्हें किस तरह से जज करेंगे। लेकिन जो आमतौर पे भी हमने आजकल देखा है कि लोग अपने इमोशंस को छिपाते हैं या अपने दोस्तों के बीच होते हैं तो खूब हंसते हैं या शो नहीं कर पाते हैं अपने प्रॉब्लम्स को या किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, तो आखिर ये क्या समस्या है, किस वजह से होता है? जैसे मैंने बताया ना, बेसिकली ये सारा तो हमारे जो ब्रेन में जो भी कंडक्शन होता है ना जी, हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 100 अरब ब्रेन की सेल्स, न्यूरॉन्स को ब्रेन की सेल्स कहते हैं जी, तो मतलब वो जो है हमारे हैं, तो इनमें आपस में जो कम्युनिकेशन है ना वो थ्रू न्यूरो ट्रांसमीटर्स होता है जी। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स में ना केमिकल ऐसे निकलते हैं, एक एक जो न्यूरोन होता है उसके एंड में वहाँ से डेंड्राइट से केमिकल निकलेगा, न्यूरो ट्रांसमीटर निकलेगा, और जो मैसेज ट्रांसफ़र होना है नेक्स्ट न्यूरॉन को वो केमिकल के थ्रू जाता है जी। आपस में जुड़े हुए नहीं न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन दूसरे में गैप है, उसमें वो केमिकल यहाँ से मैसेज यहाँ जाना है तो यहाँ एक केमिकल निकलेगा इसमें और वो केमिकल के द्वारा ही मैसेज इसमें आ गया, इसमें जाएगा जी। और फिर यहाँ से नीचे जाना है तो फर्दर जाएगा, इससे ऊपर से चला मैसेज पहुँचना है यहाँ तक, मान लीजिए लेग तक, मेरे पैर तक पहुँचना है, तो ऐसे जाता है जी। तो ये सारा मैसेज जो है जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं जी, कुछ लोग बाई नेचर बहुत सेंसिटिव होते हैं जी, बहुत इमोशनल होते हैं जी, अपने मन की बातों को वेंटिलेट आउट नहीं कर पाते हैं जी, अकेलापन, मैंने बताया थोड़ी देर पहले भी, अकेलेपन की उनकी आदत होती है जी, वो अपने आप को इंट्रोवर्ट होने के कारण से अपने बातें किसी को भी शेयर, डर लगता है उनको अपनी बातों को शेयर करने में जी। तो ऐसे कहते हैं ना हम लोग, तो ये बहुत कहानी, इनको जो है ऐसे लोगों को हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बल्कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँ किसी का, रिसेंटली भी ऐसे हमारे कुछ ऐसे मीडिया में नाम आए हैं जिनको जो सबको तो हंसाते हैं किंतु खुद जो है वो बहुत अंदर से दुखी होते हैं, है ना, जो सोच सोच करके न्यूरो ट्रांसमीटर कम हो जाते हैं, मैसेज आगे ट्रांसफ़र नहीं होता है और वो उनके अंदर एक होपलेसनेस, अकेलेपन में होपलेसनेस की फीलिंग आती है। ऐसा भी नहीं, कई बार अकेले भी नहीं होते, परिवार भी होता है उनका जी, और उसके बीच में भी परिवार में रह के भी वो अकेले होते हैं जी। इन लोगों के कई फैंस भी होते हैं तो हाँ, फैंस होते, फैंस तो हो सकते हैं, बिकॉज उनकी जो अपनी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है जी, बिकॉज मैंने बताया जैसे दीज आर परफेक्शनिस्ट पीपल बाय नेचर, टाइप ए नेचर है, टाइम का परफेक्शन होगा, टाइम पे पहुँचेंगे जी, परफेक्शन ऑफ वर्क होगा, हाँ परफेक्शन ऑफ डिज़ायर्स होगा, है ना, हर चीज़ में परफेक्शन, मतलब वो हमेशा प्रेशर में रहते हैं, हर चीज़ के परफेक्शन में रहते हैं, तो इसी कारण से वो हमेशा हाई हाई अचीवर्स होते हैं ऐसे लोग जी, दे मे बी वेरी वेरी हाई अचीवर्स, तो उसमें वो ये वो टिपिकल डिप्रेशन वाली बात नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन तो एक ओवरऑल ग्लूमी पिक्चर है ना जी, वो आदमी जो सही डिप्रेशन में होता है हमेशा एक जैसा, वो हमेशा बीच बीच में अच्छा नहीं रह सकता है, वो लगातार डिप्रेशन में रहता है ना, वो ऐसा फील ऐसा होता है कि जैसे वो उसके अंदर वो केमिकल इतने कम हो जाते हैं तो हमेशा एक ग्लोमी पिक्चर, होपलेसनेस की लाइफ रहती है ना, उसे खाने पीने में निगलेक्ट आता, सब कुछ आता, तो ये व्यक्ति जो है स्माइलिंग डिप्रेशन वाला बाहर खाएगा पिएगा भी ठीक पब्लिक में जी, क्योंकि तो जब अंदर घर में आएगा तो कुछ भी नहीं खाएगा जी, शायद ड्रिंक करेगा, गलत चीज़ ही खाएगा, गलत चीज़ करेगा, जो पब्लिक में नहीं करेगा बाहर अंदर जाकर करेगा जी, तो ये व्यक्ति जो है करेगा या करेगी, है ना, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं जी, तो ये डिप्रेशन जो है इसका भी हमें इलाज, इसमें बेसिकली ज़्यादा साइकोथेरेपी की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि स्माइलिंग डिप्रेशन किस वजह से होता है,
अगर कोई स्माइलिंग डिप्रेशन का शिकार है तो कैसे इस समस्या से निजात पा सकता है, किस तरह से अपना ट्रीटमेंट करा सकता है? इसमें दवाइयों का रोल है किंतु कम है जी, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं बचपन से एक इनसिक्योरिटी चल रही होती है, बचपन से, चाइल्डहुड से, जीन्स में भी, पास्ट लाइफ के तरह कहेंगे, पर बचपन से माता पिता को देखते हुए जी, परिवार में अपब्रिंगिंग को देखते हुए कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बचपन में हो जाते हैं, छोटे छोटेपन में बच्चों के साथ जी, जो उनके लिए बहुत डैमेजिंग होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स हो जाते हैं, कहीं अब्यूज़ हो जाते हैं बच्चों के साथ, वो बच्चे ऐसे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं जो अपने आप को मतलब बाहर अंदर, बाहर दूसरा अंदर दूसरा, वो पिक्चर उनकी आ जाती है। कुछ बच्चे ऐसे भी पेरेंट्स को टेंशन ना हो उसके लिए भी वो अपने आप को फीन करते हैं बाहर जी, ताकि बाहर मुस्कराते रहें और अंदर वो दुखी होते रहें जी, ना अपने पेरेंट्स को कभी शेयर कर पाते ना किसी को भी शेयर नहीं कर पाते वो बात जी, एक बचपन से एक डर अंदर बैठा होता है। तो ऐसे जगह अगर किसी को ऐसा है तो इसके लिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि उसको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट चाहिए, अच्छा साइकोलॉजिस्ट उससे बात करके, कॉग्निटिव साइकोथेरेपी दे करके, और भी कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स हैं थेरेपोटिक एंड साइकोथेरेपी दी जाती है, तो उसकी जैसी उसकी प्रॉब्लम है उससे उसको बकायदा उसके कई सेशंस लेने के बाद धीरे धीरे उसकी उन बातों को निकाला जाता है बचपन से, जो उसके अंदर जो कहते हैं ग्रंथियाँ होती हैं ना जी, जो विचारों की ग्रंथियाँ उनके अंदर होती हैं उनको सुलझाया जाए और उनको सिखाया जाए कि कैसे ये ऐसा करना ज़्यादा खतरनाक है बजाय कि आप अपने अंदर बाहर सेम रहें जी। तो उनको एक्सप्रेशन का एक बहुत सुंदर तरीका है सोने के पहले लेटर लिखना, अपने मन में जो भी आपकी कुंठाएं हैं, दुविधाएं हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं अपने साथ, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं जी, परिवार में कन्फ्लिक्ट्स हैं, वर्किंग प्लेस पे कन्फ्लिक्ट्स हैं जी, आपके अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं आप उनको लिखें, एक लेटर टू गॉड में सारी बातें लिख दें, अपने मन में जो चलता है उसकी सारी बात लिख दें, तन में कुछ समस्याएं हैं उनके बारे में भी वो भी लिख दें, परिवार में कुछ समस्याएं वो भी लिख दें, और प्रोफेशन में चार एरियाज होते हैं हर आदमी के पास जहाँ से तनाव या डिप्रेशन पैदा होता है जी। पहला है अपना मन, जो सारी मेमोरीज भरी पड़ी हैं बचपन से, जो आपने सीखा है, देखा है, सुना, खाया, पिया, बोला है, जिनसे भी आप कनेक्शन में आए हो, फिर आपका शरीर है, शरीर पे इम्प्लिकेशन आता है जो भी हमारे अंदर मन में चलता है जी। तो उसका उसका प्लस वो जीन्स हो सकते हैं, कोई बीमारी ऐसी हो सकती है आपको, पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं बॉडी में, तीसरा आपका परिवार जी। क्योंकि कोई भी आदमी बिना परिवार का होता नहीं है, भले आज परिवार माता पिता ना हो, भले आज आपके साथ ही आपके साथ आप अकेले रहते हैं, परिवार तो है, बिना परिवार के तो पैदा नहीं हुए है ना जी, जी। वो परिवार परोक्ष रूप में दिखाई ना दे किंतु परिवार तो आपका है, आपके अंदर तो परिवार बना हुआ है जिनसे आप बहुत इंटीमेटली कनेक्टेड होते हैं जी। तो परिवार के बारे में जो भी ख्याल आते हैं वो लिखने चाहिए, और फिर एक आपका प्रोफेशन, तो जो भी चार बातें हैं वो हमें लिखनी चाहिए डेली। अगर सोने के पहले हम वेंटिलेट आउट कर दें, ये देखने में ऐसे लोगों को हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आते हैं, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी है ना, पेट की समस्याएँ, माइग्रेनस, माइग्रेनस हेडेक, ये बहुत कॉमनली सफ़र करते हैं, बैक एक्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं जी। तो इनको अगर GERD की बीमारी ज़्यादा रहती है, पेट की बीमारियाँ बहुत रहती हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी, मतलब काफ़ी सारी तरह की बीमारियाँ इनको हो सकती हैं जी। कैंसर भी ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों को, हालांकि ऐसे कुछ स्टडी प्रॉपरली नहीं की गई है बट ऐसा देखने में आता है जी। तो अगर इनको ये अगर डेली लेटर लिखना शुरू कर दें सोने के पहले, 10-15 मिनट लगते हैं सिर्फ लिख के साइन कर लेटर टू गॉड, उसमें सारी बातें एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर दें सुबह से शाम तक आज जो कुछ हुआ, और एक बार तो बचपन से लेकर सारी समस्याएं जी, बचपन की बचपन से लेकर अभी तक की साइकोलॉजिकल इमोशन हर्ट्स और जो फ्यूचर इनसिक्योरिटीज उनके मन में वो भी लिख दें, और साइन करके भगवान को सरेंडर करके उस कागज़ को जला दें, और फिर डेली लिखते जाएं, फिर एक मास में एक बार फिर बचपन से सारी बातें दोबारा रिपीट कर लें, याद आ रही है तो लिख देनी चाहिए। तो अगर हम कुछ ही महीने ऐसा प्रैक्टिस करें तो हमारा अंदर बाहर एक हो जाएगा और इस समस्या से निकल आएंगे, प्लस थोड़े साइकोथेरेपी सेशंस। कई बार फिर भी कई लोग काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं, ऐसे लोगों को हिप्नोथेरेपी भी मदद कर सकती है जी। तो वो भी हमें करवानी चाहिए, और कुछ मेडिसिंस स्पेशली एंटी एंजाइटी मेडिसिंस
भविष्य की इनसिक्योरिटीज़ और कुछ अंदर जो एंजाइटी और फोबियास होते हैं वो निकालने के लिए थोड़ी हमें मेडिकेशन की भी आवश्यकता पड़ सकती है और इस बीमारी से हम सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिटेशन, कि मेडिटेशन आपके अंदर एक अंदर से जो अपनी नेचुरल इनेट क्वालिटीज़ हैं जी, प्योरिटी ऑफ माइंड, पीस, शांति, सच्चा प्रेम, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद और अंतर्हट शक्तियाँ जो हैं उसकी अनुभूति कराता है जी। अगर जिसके पास सच्चा प्यार है, सच्ची शांति है, सच्चा सुख है, जिसके अंदर जहाँ अंधेरा कहाँ है जहाँ लाइट नहीं है जी, लाइट है तो अंधेरा नहीं है। तो मेडिटेशन आपके अंदर एक रूहानी रोशनी ले आता है, रियल रोशनी, जागृति, सत्य की चमक पैदा कर देता है। सत्य की रोशनी पैदा होने से असत्य का अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या राजयोग का मेडिटेशन भी हेल्प कर सकता है ऐसे लोगों की? मैंने तो पिछले 25 साल में देखा है जब से हम हार्ट की रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि सभी अधिकतर 90% हार्ट पेशेंट्स परफेक्शनिस्ट होते हैं जी और हाई अचीवर्स होते हैं जी, तो इन तभी हार्ट अटैक होते हैं। और ये जो बताया ना, स्माइलिंग डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं जी, और नेचर टू प्लीज अदर्स होती है, एक बड़ी निशानी उनकी, नेचर टू प्लीज सबको खुश करने की कोशिश करते हैं जी, तो ऐसे ही लोग हार्ट अटैक से और अपने मन की बातें शेयर नहीं करते हैं। इस दिन के लिए कहा जाता है हमेशा, अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से जी। तो ये जो है टिपिकल ऐसे लोग होते हैं। और इसमें मैंने देखा है कि राजयोग मेडिटेशन से, जब उनको राजयोग मेडिटेशन इज़ अ वे ऑफ लाइफ जी, उसमें कनेक्शन विद द सेल्फ, विद द ट्रू सेल्फ एंड विद द सुप्रीम बीइंग, उनसे कनेक्शन, उस बैटरी को चार्ज करता है, अंदर सत्य की समझ पूरी अंदर से आ जाती है, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतिंद्रिय सुख, सुपर सेंसेस जो है, अतिंद्रिय आनंद, ब्लिस, और आठों शक्तियाँ जो जीवन को जीने के लिए बहुत आवश्यक है, उससे आप भरपूर, जिसे हम सतो प्रधान भी कहते हैं, सातों एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं जी। तो ना डिप्रेशन रहता है, ना एंजाइटी रहती है, स्माइलिंग डिप्रेशन जैसे नाम की कोई बीमारी, नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी, हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, एसिडिटी ठीक हो जाती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो जाता है, अस्थमा ठीक हो जाता है, मतलब आप कहें मन और तन की हर बीमारी ठीक हो जाती है, खास करके आपका भीतर जो है वो दुरुस्त हो जाता है। क्योंकि स्वस्थ शब्द जो है ना जी, स्वस्थ शब्द बना ही दो शब्द से, स्व माना अंदर वाला मैं, इसे हम आत्मा कहते हैं, स्वस्थ, स्व माने आत्मा, अस्थ माना स्थित, तो अगर आप आत्मिक स्थिति में स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं, आप पूर्ण स्वस्थ हैं। और बीमारी शब्द जो है वो आया है बी माना डर, मारी माना बने रहना जी, तो अगर आपके अंदर डर है, स्माइलिंग डिप्रेशन कारण है डर, अंदर से फियर है, पास जो बीत गया भविष्य जो आने वाला है उसका डर से स्माइलिंग डिप्रेशन पैदा होता है जी। और आई यू वॉन्ट टू बी एक्सेल, ये अंदर की जो अंदर इनर डिज़ायर है दैट कीप्स यू पुलिंग थ्रू द सर्कमस्टेंसेस, तो ये लोग सफ़र कर रहे हैं जिस बात से, अगर सचमुच में राजयोग मेडिटेशन को वे ऑफ लाइफ बना लें, और प्लस साथ में राजयोग वे ऑफ मेडिटेशन खाली मेडिटेशन नहीं है, इट्स अ न्यू वे ऑफ लाइफ जिसमें भोजन भी हमें कैसा होना चाहिए, जो इस बैटरी, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने में मदद करे, सही ईंधन क्या है हमारे लिए ताकि गाड़ी एक्यूरेट चले, प्रॉपर नींद, प्रॉपर अगर कोई बीमारी है तो उसकी दवाई भी लेना, और डी एडिक्शन, अगर आपको नशा करने की आदत पड़ चुकी है, स्मोकिंग करने की, शराब पीने की, या कोई नींद की दवाइयाँ खाने की और तरह की चीज़ें, वो सब छूट जाती हैं, अंदर एक विल टू बी वेल आ जाती है। विल टू बी वेल मीन्स अब आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आप वो सभी नियम फॉलो करते हैं, डाइट भी फॉलो करते हैं, समय पर खाना खाएंगे, समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे, जो भी मन को भी आप खुद से कंट्रोल करना सीख जाते हैं, आँखों को, नाक, कान, मुख को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आप हेल्दी रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आज हमें स्माइलिंग डिप्रेशन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और किस तरह से हम इससे अपने आप को दूर रख सकते हैं इस बारे में भी बताया। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमने बात की स्माइलिंग डिप्रेशन के बारे में, तो आज हमें जो इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ डॉक्टर साहब ने दी उसे आप सब फॉलो करिए और खुश रहिए और देखते रहिए आपका पसंदीदा शो फिट एंड फाइन। ओम शांति।